सब्सिडी जैसा शब्द आप हमेशा सुनते आए होंगे, इसका फायदा भी शायद आपको मिला हो। हर साल बजट में भी इसका जिक्र होता ही है, लेकिन ये सब्सिडी है क्या? जरूरी प्रोडक्ट्स को लोगों तक सस्ती कीमतों पर पहुंचाने के लिए दी जाने वाली छूट को सब्सिडी कहते हैं। मतलब महंगे प्रोडक्ट खरीदने पर जो आपने खर्च किया, उस खर्च में से सरकार कुछ पैसे को आपको वापस करती है। जैसे LPG सिलेंडर आपने 1000 रुपए का खरीदा और सरकार ने उस पर आपको 200 रुपए की सब्सिडी दे दी, इस तरह वो सिलेंडर आपको 800 रुपए का पड़ा। सब्सिडी उन इंडस्ट्रीज को भी मिलती है जो सब्सिडी वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सब्सिडी सरकार के नॉन प्लान खर्चों का एक हिस्सा है। भारत में सबसे ज्यादा सब्सिडी फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ब्याज और खरीद पर दी जाती है। सब्सिडी के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं भी चला सकती है। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों या कुछ प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी दी जाती है।